एक किलो दाल ली थी हमने और उसमें 6 गिलास पानी डालकर मैंने उबालने के लिए रख दिया था दाल को। और इसके ऊपर जब ये वाइट वाइट से झाग आ जाते हैं इसको निकाल देना है। मैं इसको चमचे से निकाल रही हूँ। और पहले जो मैंने अपनी रेसिपी बताई थी वो उसमें कतलियाँ मैंने चने की दाल की बनाई थी, ये भी सेम ही है, तकरीबन उसी तरह की रेसिपी है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट हलवा बनता है जिसमें हम कतलियाँ नहीं बनाएंगे। और मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। बहुत चने की दाल जो है हमें इसको नरम गलाना है, इसको सख्त नहीं रखना है। और फिर जो है मैं इसको ढकना लगाकर कवर कर दूंगी और ढककर थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूंगी। 45 मिनट के लिए हम उबालने के लिए रख देंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कितनी सॉफ्ट हुई है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ढकने से और इसको गलने के लिए रख दूंगी दाल को। ये अच्छी तरह गल जाए। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है और बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और तकरीबन पानी भी इसका बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और हमें इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा भी चलाती जा रही हूँ ताकि दाल जो है इस पतीले में लग ना जाए नीचे। अगर दाल हमारी लग गई तो हमारे हलवे में वो टेस्ट नहीं आएगा और फिर वो खाने में भी उसके जो एक स्मेल होती है जले की वो आने लगेगी। तो इन चीज़ों का हमें अपने पकाने में बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। दाल हमारी गल चुकी थी और बिल्कुल ड्राई हो चुका था पानी, तो मैंने इसको इस तरह अच्छी तरह दाल को मैश कर लिया है बहुत अच्छी तरह कि इसके दाने जो हैं बिल्कुल भी साबुत ना रहें। मैंने घी डाला था 4 चमचे बड़े और इसमें मैं दाल डाल दूंगी। सारी दाल मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अगर घी थोड़ा कम लगे, क्योंकि इसमें दाल के हलवे में जो है घी हमारा अच्छी तरह ज़्यादा होना चाहिए, और अगर घी आपको कम लगे तो आप जो है और इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने 4 बड़े चमचे घी लिया था। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब इलायची पाउडर मैंने पिसी हुई मिलाई है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चमचा चलाती जाऊंगी। और इसमें मैंने ये फूड कलर है थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और जितना ज़्यादा हम चने की दाल को पकाएंगे ये उतनी ही लजीज बनती है। और हमेशा मैं जब भी चने की दाल का हलवा बनाती हूँ उसको तकरीबन 2 घंटे मैं ज़रूर पकाती हूँ, 1.5 से 2 घंटे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देती हूँ और हर थोड़ी देर बाद चमचा चलाती रहती हूँ। मैंने तकरीबन इसमें 2 कप चीनी डाली है। अगर आपको जितना मीठा पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, हमेशा मैं कहती हूँ कि चीनी आप ऐड करें। इसको मैं मिक्स करती रहूँगी अच्छी तरह। और अब इसमें मैं जो मैंने कद्दूकश किया था नारियल वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी पकाते में। और हर थोड़ी देर बाद मैं चमचा चलाती जा रही हूँ इसमें।
टेक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये हलवा बिल्कुल रेडी है। अब ये देखें इसका पानी भी सब खुश्क हो चुका है। मुझे चीनी थोड़ी कम लगी थी तो मैंने हाफ कप जो है और डाली। इसमें मैंने तकरीबन मेरे जो है इसमें 3 कप चीनी गई है, जो ये मेजरिंग कप था। ये देखें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर है, ये ऐड कर दिया है और इसको मज़ीद मैं 1/2 घंटे और पकाऊंगी, यानी कि मैंने 2 आवर्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख दिया था। और ये स्टैंड भी रखा था मैंने ये एक, और देखिए बहुत लो फ्लेम पे है ये। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये सब दाल जो है ये लग जाएगी और हलवा जल जाएगा, जो मज़ेदार नहीं होगा। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मुस्तकिल चमचा चलाती रही ताकि ये नीचे ना लगे, इसीलिए देखें इसका जो है टेक्सचर इतना अच्छा है। और हमारा हलवा पकते हुए टाइम जो है वो हो चुका है पूरा। ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस उसमें मैं जो है इसको, ये तकरीबन हमारा डन हो चुका है। बहुत अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई की है हलवे की, खूब अच्छी तरह हलवा हमारा भुन चुका है। और इस हलवे को बनाने के लिए आपके पास पेशेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत वाला है, लेकिन जो मेहनत से चीज़ बनाई जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने हलवे को निकाल लिया था एक डिश में, और दूसरा इस तरह मैंने जो मफिन्स के जो होते हैं उसमें मैंने हलवे को निकाल दिया है। आप इस तरह तरीक़े से, दोनों तरीक़े से सर्व कर सकते हैं जो भी आपके गेस्ट आए। और उसके ऊपर जो है मैंने आलमंड्स काटे थे, जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये हमारा हलवा मज़ेदार सा रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा कि आपको मेरे चने की दाल के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।